नमस्कार, स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और इस शो में हम बात करेंगे कि आप कैसे छोटे छोटे तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं। और अगर ऐसे में आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। तो आज के इस खास शो में हम फोकस करेंगे कुछ लाइव केस सिनेरियो पर, उनसे क्या सीख लेनी चाहिए और रिटर्न फाइल करते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपका रिफंड सही तरीके से आ सके, और अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो उनसे कैसे बचना चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा पेनाल्टी ना देनी पड़े। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल लोग डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हर जगह सिस्टम ऑटोमेटेड हो रहे हैं और ऐसे में टैक्स विभाग भी कैसे पीछे रहे। उन्होंने भी नए इनिशिएटिव्स लिए, अपने सिस्टम को अपडेट किया, ऑटोमेटिक तरीके से काफ़ी टैक्स पेयर के लिए एक आसान तरीका अपनाया कि वो अपना रिफंड बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन इसे करने के चक्कर में हमने देखा कि काफ़ी सारी गलतियाँ टैक्स पेयर कर रहे हैं और ऐसे में उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो इस वक्त कैसे कैसे बातों का ध्यान देना चाहिए, आपको याद होगा AIS यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट को लेकर हमने इस पर एक लंबी चर्चा भी की थी। उसका एक क्विक रिकैप भी आपको देंगे क्योंकि ये भी एक ऑटोमेशन का ही हिस्सा था। तो इससे जुड़ी छोटी छोटी बारीकियाँ भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे और किन गलतियों से बचना चाहिए इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और इसमें मदद करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट हर्ष रूंगटा जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शो में समय देने के लिए। आपके पास तो काफ़ी सारे केसेस आते रहते होंगे इस तरीके के, जहां पर आप उनकी मदद भी करते होंगे। आज ऐसे ही कुछ मदद की ज़रूरत हमें भी पड़ गई है आपकी। पहले तो हम आज ये जानना चाहेंगे कि टैक्स विभाग ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए इस दौरान ताकि सिस्टम ऑटोमेट हो सके और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए किस किस तरह के कदम सरकार ने उठाए हैं। तो अगर आसान भाषा में समझाएं तो आपके जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो आपने करी हैं उसका लेखा जोखा अब सरकार के पास है, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट उन्होंने कर दिया है कि एंटिटीज जो हैं वो ये रिपोर्ट्स टैक्स डिपार्टमेंट को भेजे। टैक्स डिपार्टमेंट उनको पैन नंबर के बेसिस के आधार पर उनको कोलेट करके एक जगह पे जमा करके आपको दिखाती है ताकि आपको भी पता चले कि टैक्स डिपार्टमेंट के पास क्या इंफॉर्मेशन है और आप चेक कर लें। हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कोई इंफॉर्मेशन जो आपकी नहीं है किसी और की है वो आपके नाम पे जुड़ गई हो। एक बहुत ही साधारण सी चीज होती है कि जैसे जितने भी आपने साल में म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं या बेचे हैं तो उसका लेखा जोखा जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सबमिट करती हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। तो नॉर्मल जैसे होता है कि वो जॉइंटली हेल्ड होता है, हस्बैंड और वाइफ का नाम होता है, फर्स्ट नाम लेट अस सोचिए कि हस्बैंड का है, सेकेंड नाम स्पाउस का है, और दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें स्पाउस का नाम फर्स्ट है, हस्बैंड का नाम सेकंड है। तो ऐसे केसेस में दोनों के नाम पे दोनों वाले फोलियोज आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि इतने ट्रांजैक्शंस तो मैंने किए ही नहीं, और डिटेल वहां नहीं होता है तो थोड़ा सा रिकंसिलेशन करने में दिक्कत होती है। वहां पे आपके पास सिर्फ म्यूचुअल फंड वाइज डिटेल्स होते हैं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े डिटेल्स होते हैं थोड़े नहीं होते हैं, तो रिकंसाइल करने की कभी दिक्कत आ सकती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई सारा लेखा जोखा, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो कहीं से भी आया हो, रेंट आया हो जिसपे TDS कटा है, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आपने पैसे बाहर भेजे हो, क्रेडिट कार्ड पे आपने फॉरेन एक्सपेंसेस किए हो वो भी LRS की लिमिट में ही आते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हो, कोई जमीन खरीदी हो बेची हो, शेयर्स खरीदे हो बेचे हो, यानी कि करीबन करीबन जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप करते हैं, अगर आपने कैश में से बैंक में से कैश विड्रॉ किया हो अबव अ सर्टेन लिमिट या कैश डिपॉजिट किया हो अबव अ सर्टेन लिमिट,
ये काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपका एक जगह पे अवेलेबल है, टैक्स डिपार्टमेंट को भी अवेलेबल है, आपको भी अवेलेबल है। तो आप रिटर्न फाइल करने से पहले उसको सुनिश्चित आप कर लें कि ये आपका ही इंफॉर्मेशन है, वरना उसमें फैसिलिटी है कि आप मार्क कर सकते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और के पैन में है, इंक्लूडेड है इस फला आदमी के। जैसे जो हस्बैंड और वाइफ का एग्जाम्पल मैंने दिया, उसमें वो दोनों जो उनका नहीं है वो उतना मार्क कर सकते हैं। इससे होता ये है कि अब ये जो एक इंफॉर्मेशन डेटा का जो जाल बुना है, उससे बहुत अच्छी चीज ये होती है कि टैक्स इवेजन करने का चांस बहुत कम हो जाता है। और दी सेकेंड चीज इज कि चूंकि सारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, तो आपके रिटर्न्स जब आप फाइल करते हैं और वो मैच करता है इस इंफॉर्मेशन के साथ, तो उसका प्रोसेसिंग तुरंत हो जाता है, रिफंड तुरंत हो जाता है। ये अगर इस साल की हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर 2021 के जो इनकम थी उसका रिटर्न्स फाइल किया, प्राय प्राय सभी का रिटर्न्स प्रोसेस होके अगर रिफंड्स ड्यू थे तो वो दे दिए गए हैं। एडजस्टमेंट कोई कोई केसेस हैं, 3-4% केसेस होंगे, ये डिपार्टमेंट का स्टैटिस्टिक है मेरा नहीं, कि ऐसे केसेस होंगे जिनमें कुछ वेरिफिकेशन करना बाकी होगा, एडजस्टमेंट करना बाकी होगा, या डिपार्टमेंट उसमें ज्यादा तफ्तीश करना चाह रहा है, पता करना चाह रहा है। तो स्पीड बढ़ गई, ये सबसे बड़ा जो फायदा है वो है और डिपार्टमेंट का, कि अधिकांश लोग जो निकल जाएंगे वो निकल जाएंगे, रिफंड जल्दी मिल जाएगा, टैक्स इवेजन कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो बदलाव की आपने बात की, जो भी इम्प्लीमेंटेशन इनकम टैक्स विभाग ने किए, इंक्लूडिंग AIS, तो क्या अब हम माने कि सारे टैक्स पेयर ऑटोमेटिकली इसमें उनके जब टैक्स फाइल वो करेंगे तो वो ऑलरेडी उन पर लागू हो चुका है ये नया सिस्टम, या फिर कुछ स्टेप्स लेने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, अगर आपके पास पैन नंबर है तो ऑब्वियसली वो आपके जो ई पोर्टल में, इवन आपने रजिस्टर नहीं किया होगा ई पोर्टल पर, अगर आपका पैन नंबर है, और अब कई ट्रांजैक्शंस में पैन नंबर कोट करना कंपलसरी हो गया है, तो अगर आपका पैन नंबर है तो वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में है। जब पहली बार आप ई पोर्टल पे अपना पैन नंबर को एक्टिवेट करेंगे पहली बार, तो वो इंफॉर्मेशन अंदर आपको मिलेगी उसमें। लेकिन हर्ष जी ये भी समझना चाहेंगे कि फिर इस बदलाव को लाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों पुराने सिस्टम में क्या ऐसा कुछ फ़र्क था, क्या ऐसा ड्रॉबैक था जो कि अब इस तरह के सिस्टम को लाया गया? सर्विस आई मीन अगर सही ढंग से, और इसमें बहुत ज्यादा टीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये कहना कि सिर्फ फायदे हुए ये सही नहीं होगा, बट फायदे ये हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट अल्टीमेटली नॉर्मली हर सिचुएशन में 90% जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। उन लोगों को बिना तकलीफ के अगर उनका जो रिटर्न्स है प्रोसेस कर पाए डिपार्टमेंट, तो जो बाकी 10% है जिनमें तफ्तीश करने के बाद सिर्फ 8-9% भी, उसमें भी वो भी ऑनेस्ट निकलेंगे, सिर्फ 1% पे डिपार्टमेंट को कंसंट्रेट करना है, तो वो अच्छे से कंसंट्रेट भी कर पाएगी और जो लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं उनको पकड़ भी पाएगी। तो जो एक टैक्स का रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्ट आदमी को सहूलियत होनी चाहिए, और जो आदमी टैक्स इवेजन कर रहा है उसकी चोरी पकड़ी जानी चाहिए, वो इस डेटा के इसके जो जाल बुना हुआ है उस जाल में वही मछली फंसेगी जिसे फंसनी चाहिए। अगर वो जाल सही ढंग से ले डाउन किया जाए, उसको सही ढंग से अगर यूज किया जाए, तो अल्टीमेटली सिर्फ जिनको तकलीफ होनी चाहिए, जो टैक्स का इवेजन कर रहे हैं, वही लोग उसमें पकड़े जाने चाहिए, बाकी लोग आसानी से चले जाने चाहिए। और उससे पकड़े जाने वाले लोगों पे
उनकी डिपार्टमेंट की नजर भी जरा ज्यादा होगी, उनका अटेंशन और एफर्ट भी ज्यादा होगा और टैक्स इवेजन कम होगा, देश की रेवेन्यू बढ़ेगी। और जब टैक्स इवेजन कम होगा तब टैक्स की रेट्स भी कम होने का चांसेस है। प्लीज रिमेम्बर टैक्स बॉयंसी, अगर टैक्स द परसेंटेज ऑफ टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर वो बढ़ता है और डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल टैक्स की रेट्स कम होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो अब टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब हम समझना चाहेंगे, काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपने अभी हमें हाईलाइट की, तो एक टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहेंगे कि उसको क्या कुछ एडवांटेजेस मिले हैं, ये जो नया सिस्टम आया है इससे क्या कुछ एडवांटेज मिले हैं, क्या रिफंड अब समय पर आ जाता है, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी किया रिफंड आने में समय कम लगता है, और किस तरह के फ़ायदे यहाँ पर एक टैक्स पेयर को हुए। जैसे मैंने कहा, अगर आपका रिफंड ड्यू है तो आपको जल्दी मिल जाएगा रिफंड, ओके। और अगर आपका सिंपल केस है, आपके कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपके केस में आया है वो सारे ट्रांजैक्शंस आप ही के हैं, आपने कंफर्म कर दिया, तो ऑलमोस्ट प्रीफिल्ड रिटर्न है, ऑलमोस्ट सारे डेटा वहां पर है। आपको सिर्फ कोई जैसे सैलरीड पर्सन, जो कि अधिकांश लोग होते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, वो मतलब सैलरीड वेतन पेशा लोग ज्यादा होते हैं, तो वेरी वेरी क्लियरली उनके लिए सहूलियत हो सकती है इफ दे डू नॉट हैव अदर कॉम्प्लिकेशंस। अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हो, डायरेक्टर ना हो, या फॉरेन में असेट्स ना हो उनके एक लेवल के ऊपर के, तो ये सारी चीजें नहीं है तो उनका रिटर्न फाइलिंग भी आसान है और उनका रिफंड अगर ड्यू है तो वो भी जल्दी आ जाता है। डिपार्टमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन रिफंड्स, दैट इज करेक्ट, कि क्योंकि मैक्सिमम ग्रीवियंसेस लोगों की इन टर्म्स ऑफ नंबर इज की रिफंड मेरा समय पे नहीं आता, मुझे बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। और ये चीज मेरे ख्याल से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि आज की सिचुएशन पिछले 5 साल पहले की जो सिचुएशन थी उससे बहुत 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 बेहतर है। रिफंड अपने आप और जल्दी आपके अकाउंट में आ जाता है, खास करके अगर रिफंड की अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी ना हो तो। ठीक है, तो ये जो कमियां हैं जो जिसकी कि आपने बात की, इसे कम करने के लिए, इससे बचने के लिए फिर टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए? सो मेरे ख्याल से अब यही है कि वैसे भी मोर देन 90% पीपल इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल कर रहे हैं। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करें तो अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है उसको चेक कर लें, सारे ट्रांजैक्शंस चेक करके वो सारे ट्रांजैक्शंस को या तो आप कह दीजिए कि ये मेरे ट्रांजैक्शंस नहीं है, और या उसको अगर है तो उसको कैसे वो आपके रिटर्न में तब्दील होते हैं वो आप देखिए। आई थिंक रिटर्न फाइल करते समय अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आगे का सारा स्टेप बहुत अच्छा रहेगा। Second, I think, and that is a message which the government wants to give, and all honest taxpayers का भी वही message है कि tax evade करना it does not make sense. तो अब उसको evade करना sense नहीं बनता, मत करिए। I think that is the message the government also wants to send, and all honest taxpayers also want to send. बिल्कुल, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हुए हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई है तब भी आपके पास 2 साल का वक्त है, आप दोबारा से रिटर्न रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके पेनाल्टी से बच सकते हैं। और अगर कम रिफंड आ रहा है तो उस केस में भी आप रिटर्न फाइल करिए, और जो भी रिफंड के आप हकदार हैं वो आपको मिलना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। चलिए, अब वक्त है कुछ सवालों को भी शामिल करने का, और काफ़ी सारे सवाल भी हमें आपकी तरफ से मिल भी रहे हैं। ऐसे में एक सवाल आया है, ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सवाल है हमारे
दर्शक ने भेजा है। हर जी ये इनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि इन्होंने अक्टूबर 2018 में परचेज़ की है। वहीं एक ओल्ड प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी, दूसरी अन्य प्रॉपर्टी उन्होंने सितंबर 2019 में बेच दी है। अब इस केस में ये जानना चाह रहे हैं कि इनके पास इनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के किस तरह का लाइबिलिटी इनके ऊपर बनती है, ये समझना चाह रहे हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स तो जिस प्रॉपर्टी को बेचा उसी पे लगेगा, तो 2019 में जो प्रॉपर्टी बेची, ओके, ऑब्वियसली उसका रिटर्न उन्हें फाइल करना चाहिए था सन यू नो 19-20 का, जुलाई 20 तक, या वो एक्सटेंड होते होते, चूंकि वो पैंडेमिक का समय था, वो एक्सटेंड होते होते काफी हद तक एक्सटेंड हुआ था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो एक्सटेंड भी हो गया, बट इन्होंने शायद फाइल नहीं किया है वो रिटर्न, तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा अगर वो जो पुरानी प्रॉपर्टी 2019 में बेची, अगर वो कम से कम 2 साल तक उन्होंने होल्ड करी थी, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कैलकुलेशन होगा, जितने में भी बेची माइनस जो भी नेट सेल प्राइस है, नेट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, माइनस जो भी कॉस्ट पे अक्वायर करा था, उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट होता है, कोई अगर उन्होंने उसके मरम्मत वगैरह के लिए खर्चा, उसको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, उसको भी इंडेक्स किया जाता है, महंगाई दर जो डिपार्टमेंट ने दी है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके हिसाब से इन्फ्लेट किया जाता है, तो ये 2 कॉस्ट घटा दिए जाएंगे उसकी सेल प्राइस में से, जो नेट बचेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, और ये प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी थी वो 1 साल पहले तक खरीदी थी, तो जितना अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, मानिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 30 लाख है, और जो 2018 में प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 साल के अंदर बिफोर ही सोल्ड, अगर वो उसकी भी वैल्यू 30 लाख है, तो कोई आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। बट प्लीज रिमेम्बर, ये एग्जेम्पशन है सेक्शन 54 के अंडर में, लेकिन रिटर्न आपको फाइल करना था, टैक्स नहीं लगना था, लेकिन रिटर्न फाइल करने की आपकी जिम्मेदारी थी, तो वो आपको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। आपको रिटर्न अब वो तो खुलेगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि इससे टैक्स बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे नहीं पता कि इसमें वो वाला प्रोविजन, 2 साल वाला प्रोविजन यूज कर पाएंगे कि नहीं, वो थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा फैक्ट्स पे। बट इसेंशियली अगर 1 साल के अंदर वो नई प्रॉपर्टी खरीदी थी, 1 ईयर बिफोर जो प्रॉपर्टी बेची उसके 1 साल के अंदर, उसके पहले भी अगर प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसकी वैल्यू कम से कम कैपिटल गेन्स जितनी थी, तो टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल। एक और दर्शक का सवाल आया है हमें, नियत ने हमें ये सवाल भेजा है, और इनका सवाल है कि इनको एक प्रॉपर्टी मिली है एज अ गिफ्ट इनके फादर और उनकी बहन, यानी कि उनकी बुआ की तरफ से ये प्रॉपर्टी उनको मिली है। अब ये जानना चाह रहे हैं क्या ये टैक्सेबल है। इस पर इनका एक और सवाल है जो कि थोड़ा लीगल साइड पर है, कि क्या इस प्रॉपर्टी पर आने वाले समय में उनके जो अन्य भाई बहन हैं वो इस पर क्लेम कर सकते हैं, आप इनको क्या सलाह देंगे? तो फिर सेकेंड पार्ट तो बेसिकली लीगल क्वेश्चन है, टैक्स का क्वेश्चन नहीं। पहला अगर हम सवाल लें, तो अगर बहन की सिस्टर यानी बुआ जो हम नॉर्थ में कहते हैं, तो उनसे कोई भी गिफ्ट मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट ऑफ द इंडिविजुअल, उनको स्पेसिफाइड रिलेटिव में माना जाता है, और उनसे मिली हुई गिफ्ट है वो टैक्सेबल नहीं होती आपके हैंड्स में। अब जहां तक सवाल है क्लेम वगैरह का, तो अगर गिफ्ट वैलिड है, एंड ये मतलब लीगल सलाहकार से सलाह करें, बिकॉज फैक्ट्स बहुत अलग हो सकते हैं, और अलग शहरों में, अलग राज्यों में अलग लॉज होते हैं, अलग रिलीजन, आपका पर्सनल लॉ क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। तो गिफ्ट अगर वैलिड थी, प्रॉपरली रजिस्टर किया गया है, स्टैंपिंग हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो चांसेस आर कि ये कोई भी उसमें क्लेम नहीं कर पाएगा। बट एज आई से
ये चीजें आपको एक लीगल सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्ट का तो सवाल आपको मिल गया कि टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन दूसरा पार्ट में आपको यहाँ पर किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद लेने की ज़रूरत है। वैसे तो अगर आपके पास कुछ ज़रूरी कागजात हैं तो इस तरह की समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए, फिर भी अगर एक लीगल एडवाइज़र आपको क्या सुझाव देता है ये भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। एक और सवाल हमें आया है इस केस में, हमने का एक शो भी किया था इस पर कि वसीयत को लेकर कुछ शो भी किया था, मेरे ख्याल से उससे मिलता जुलता एक सवाल आया। गुजरात भारूच गुजरात से हमें किशोर त्रिवेदी जी ने ये सवाल भेजा है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है, कोई एक टैक्स पेयर है जिसका डिमाइज नहीं हुआ है, जो कि एक्सपायर नहीं हुआ है, बट वो मिसिंग हो चुका है, तो इस केस में उनका रिटर्न कैसे फाइल करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। हर जी इनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो टफ वन, मतलब इट्स ये ऐसा है कि वो पर्सन तो है ओके, और उसकी इनकम भी हो रही है। सपोज कोई पर्सन है, उसका फिक्स डिपॉजिट बैंक में पड़ा हुआ है, तो उस बैंक ये और ये पर्सन अब मिसिंग हो गया, और बैंक तो फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक तो उस पे इंटरेस्ट देता रहेगा उस पर्सन के नाम पे, राइट। टीडीएस भी काटेगा, लेकिन रिटर्न तो किसी ना किसी को फाइल करना पड़ेगा। तो इसका प्रावधान टैक्स में रिप्रेजेंटेटिव असेसी का है, लेकिन किस तरीके से वो यूज होगा मैं बिना देखे बिना नहीं बता पाऊंगा। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से और किन कंडीशंस में ये पॉसिबल हो पाएगा। बट फिलहाल वन थिंग जो किया जा सकता है, वो अगर एक्सेस है उस पैसे का, अगर जॉइंटली होल्ड है लेट अस से, और जो दूसरा आदमी है उसको भी एक्सेस है, उनके लड़के हैं, उनकी स्पाउस है, अगर उनको भी उस पैसों का एक्सेस है, तो एटलीस्ट टैक्स का पेमेंट कर दीजिए। रिटर्न्स तो आप वेरीफाई कर पाए नहीं कर पाए वो जैसे मैंने कहा देखना पड़ेगा, लेकिन टैक्स का पेमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में अगर कोई लाइबिलिटी भी हो तो उस पर ब्याज तो ना लगे। जो लेट रिटर्न फाइलिंग का, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तरीके से नहीं कर सकते, टैक्स पेमेंट तो कोई भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज आप उनका पैन यूज करें वो करें, आप प्लीज उनका टैक्स पेमेंट जरूर कर दीजिए। बिल्कुल, तो ये सलाह आपको दे दी गई है। भले ही रिफंड का तो आपको यहाँ पर किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट से मदद लेनी होगी, लेकिन अगर आप उनका रिटर्न फाइल कर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, तो वो काम आप ज़रूर कर लीजिए, ये आपको सलाह दी गई है। बाकी किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की अपने पूरा केस को बताते हुए उनकी आप यहाँ पर मदद भी ले सकते हैं। हर्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और तमाम सवालों पर और हमारी जो भी क्वेरीज थी उनका उस पर अपनी राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त है जानने का गुरु मंत्र का। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सामने निकल कर आएगी वो ये थी कि टैक्स बचाने की कोशिश आप ज़रूर करें, जिसमें कि हम आपकी मदद भी कर रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग करें, लेकिन टैक्स इवेशन यानी कि कर चोरी करने की कोशिश ना करें। ये सरकार का भी मैसेज जाता है, इसी वजह से वो इस तरह के नए नए सिस्टम्स लेकर आती हैं, और इसका भी आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी टैक्स चोरी ना हो आपकी तरफ से, इसका ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, गलत जानकारी देने से बचने के लिए भले ही सिस्टम सारे ऑटोमेटिक हो चुके हैं, लेकिन एक बार उसका रिव्यू ज़रूर कर लें, AIS यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट, उसको एक बार चेक ज़रूर कर लें। तीसरा गुरु मंत्र ये होगा कि अगर गलती हो भी गई है, मान लीजिए आपका रिटर्न फाइल करते वक्त, तो आपके पास 2 साल के अंदर आपके पास समय भी है, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पेनाल्टी से यहाँ पर बच सकते हैं। और तीसरा चौथा गुरु मंत्र जो कि हमारे व्यूअर्स के एक सवाल पर निकल कर आया है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई मिसिंग है तो कोशिश करें उसका टैक्स ज़रूर भरें, और इस केस में और सलाह लेने के लिए किसी प्रोफेशनल टैक्स सलाहकार की मदद भी लें। तो इन नोट्स के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।